हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की रिवीजन सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसमें आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए नेमी पैटर्न के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं, और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा बहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है? राइट आंसर सी, 26 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है? राइट आंसर डी, 0 से 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तार जोड़ का क्या नाम है? राइट आंसर बी, नोटेड टेप जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, डिप सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर ए, वेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर सी, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? राइट आंसर डी, आर्मी रिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? राइट आंसर बी, लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, हवा में रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के परमाणु आवद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर ए, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? राइट आंसर डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? राइट आंसर डी, मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है? राइट आंसर बी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? राइट आंसर डी, वेस्टर्न यूनियन जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी केयर अल लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ए टीन का भाग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल के पीवीसी चालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? राइट आंसर डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? राइट आंसर बी डक्ट पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भूमिगत केवल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर डी लैड सीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? राइट आंसर बी लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल में कौन सा भाग धात्विक कवच को बचाता है? राइट आंसर बी बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? राइट आंसर ए यह जलने व अग्नि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जोड़ का क्या नाम है? राइट आंसर ए मैरिड जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? राइट आंसर डी सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? राइट आंसर सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? राइट आंसर सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्टेड भूमिगत केवल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। राइट आंसर सी लैड सीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केवल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? राइट आंसर सी बिटुमिन्स यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल में वेडिंग का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर डी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल के किस प्रकार के दोष को
ज्ञात किया जा सकता है। राइट आंसर ए लूप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? राइट आंसर डी प्रत्येक चालक का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? राइट आंसर सी 35 महो प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? राइट आंसर सी 0.81। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार तेज चालक की तुलना में होता है? राइट आंसर बी फेज चालक से आधा। इस औजार का क्या नाम है? राइट आंसर सी क्रिम्पिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? राइट आंसर सी 4.55 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? राइट आंसर बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? राइट आंसर डी अधिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है? यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? राइट आंसर बी 13 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? राइट आंसर बी कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? राइट आंसर सी सोल्डरिंग गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल की पास की अधिकतम धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? राइट आंसर सी 1.23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? राइट आंसर वी कम लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? राइट आंसर डी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? राइट आंसर बी अपर्याप्त ऊष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है
यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाता है राइट आंसर ए कम पाठ्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। राइट आंसर डी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। राइट आंसर सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।